हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में, जो कि है HCL टेक की तरफ से। सो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए कंपनी हायर कर रही है, क्या सैलरी पैकेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है और कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है। सो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और फिर इसी वीडियो में हम देखेंगे कि किन 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 स्टेप्स में आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो बात करते हैं सैलरी पैकेज की। सो द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ सैलरी ऑफ 4.5 LPA एंड अबव फॉर दिस हायरिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है। सो बैचेस 2020, 2021, 2022 एंड 2023 आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव। सो मेक श्योर अगर आप फ्रेशर है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो द कंपनी इज हायरिंग इन बल्क। अब हम आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए कंपनी हायर कर रही है। सो आप जैसे ही इस पेज पे पहुंचेंगे, HCLTech.com करियर्स कैंपस हायरिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन प्रोफाइल्स के लिए कंपनी हायर कर रही है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी एंड ग्रेजुएट ट्रेनी। सबसे पहले देखते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के लिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स विद डिग्री इन BE, BTech, ME एंड MTech। सो इफ़ यू हैव डन योर डिग्री इन एनी ऑफ दिस देन यू आर एलिजिबल। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कोई परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा है, कोई ब्रांचेस स्पेसिफिक ब्रांचेस मेंशन नहीं करी है। सो अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इवन आप नॉन टेक ब्रांच से तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल की बात करें तो आपका बेसिक वर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही रहने वाला है, जैसे कि बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर सीनियर इंजीनियर, इस तरह का कुछ वर्क रहने वाला है। अगेन जो भी आपको करना होगा उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी पहले। और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको फोर स्टेप्स दिए रखे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सो सबसे पहले तो आपको अपने आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, OTP एंड देन योर रिलेवेंट डिटेल्स। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है ऑनलाइन, और उसके बाद फाइनली आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सो इन चार स्टेप्स में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपना जो भी रेज्यूमे अपलोड करें वो लेटेस्ट होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे उनके पास यही रेज्यूमे अवेलेबल रहेगा। सो अगर आपने लेटेस्ट रेज्यूमे अपलोड करा है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। सो द नेक्स्ट रोल इज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी है इसके लिए MBA और PGDBM। सो अगर आपने इनमें से कुछ भी करा है तो आप इस वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। अब इसके अंदर भी आपका जॉब रोल जो रहता है नॉर्मल MBA से रिलेटेड वही रहने वाला है। और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल अप्लाई नाउ पे यहाँ से क्लिक करना है, और अगेन आप इसी तरह के पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको सेम फोर स्टेप्स में एप्लीकेशन फिल करनी है। सबसे पहले रजिस्टर, देन वेरीफाई योर ईमेल, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन सबमिट इट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो थर्ड जॉब रोल है वो है ग्रेजुएट ट्रेनी का। सो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए जो एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन करी है वो है BA, BBA, BCOM, BCA, BSc और BPharma। सो इन सारी अगर आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ रोल्स अक्रॉस फाइनेंस, HR, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, कंप्लायंस टू नेम अ फ्यू। सो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए लोग हायरिंग कर रहे हैं, और सारी डिग्रीज इन्होंने कवर कर लिए इन तीन कैटेगरीज में, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, MBAs एंड अदर डिफरेंट डिग्रीज, इन्होंने सबको ही कवर कर लिया। और काफ़ी बल्क में हायरिंग रहने वाली है, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है एज अ फ्रेशर। सो मेक श्योर कि आप अप्लाई करते एज सून एज पॉसिबल बिफोर दिस लिंक्स एक्सपायर्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट। अगर कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और लिंक आपको अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।